और प्रशिक्षित गाइड की देखरेख में राफ्टिंग के अनुभव का लुत्फ उठाते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में कुछ पर्यटकों ने अपना अनुभव साझा किया है। आप कहाँ से आए? हम लोग जोधपुर से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ, दो बच्चे हैं। हम लोगों ने इसमें अभी रिवर राफ्टिंग किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हम राफ्टिंग करने वाले और यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लैट वाटर ही है और हाँ थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है इधर, तो इसलिए हम थोड़ा और बोट लेके आए हैं, थोड़ा सेफ्टी बोट साथ में है। तो थोड़ा जब ऊपर जाते हैं और तो वहाँ पे रैपिड सेक्शन है, तो वहाँ के लिए हम सेफ्टी डालते हैं, कायाक वगैरह डालते हैं। हाँ जी, वी डोंट नो, आफ्टर गेटिंग डाउन यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, देन आई कुड हैव आंसर्ड प्रॉपरली, बट बिफोर डूइंग द राफ्टिंग आई हैव टू फेस lot of resistance from my wife. But anyway, she is also ready and she is smiling. Really excited to have this rafting done today. In fact, it was not in our plan. Okay. Just like that, it's happening now. Okay. We are going to enjoy this. Okay. It's a trip we are going to have remember for a long time. News 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त मैं संगम से बोल रहा हूँ, जहाँ इंडस रिवर और जो जंस्कर रिवर का कॉन्फ्लिक्ट ये है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जो लद्दाख विजिट करते तो यहाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ से एक राफ्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ काफी सारे राफ्ट करने के लिए भी आते हैं। तो इसके बारे में जो हम पूछेंगे, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी है जंगपो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। झूले जी, अब राफ्टिंग काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, अब इन दिनों राफ्टिंग और भी ज़्यादा प्रमोट होने लगा है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे चार ही स्ट्रेच है, जिसमें सबसे लंबा वाला आता है 28 किलोमीटर, उसके बाद आता है एक 25 किलोमीटर जो कि इंडस रिवर में आता है, और जांस्कर रिवर में हमारे पास तीन स्ट्रेच है जो सबसे एडवेंचरस जो मानते हैं वो 28 किलोमीटर का है, उसके बाद एक 16 किलोमीटर का भी आता है। एक छोटा वाला सेक्शन है जो बच्चों के लिए रखा है हमने, वो है 6 किलोमीटर। तो और इंडस में ये 25 किलोमीटर का फे टू संगम तक आते हैं। जी जंपो जी, बीते हुए कुछ सालों में जो लद्दाख में राफ्टिंग काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं राफ्टिंग के लिए। जी, अब फिलहाल पहले तो फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते थे, अब इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ने लगा है, फॉरेनर थोड़ा कम होने लगा है। राफ्टिंग दिन ब दिन ज्यादा प्रमोट होते जा रहा है। और यहाँ जो राफ्टिंग करते हैं तो उसमें मैंने सुना है कुछ ग्रेट होते हैं, किस तरह के ग्रेट होते हैं ये थोड़ा बताएंगे आप जांस्कर रिवर में? जी, एक रैपिड का एक ग्रेट होता है, जैसे पानी रिवर में एक वेव आता है तो उसका एक हम उसको अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको रैपिड कहते हैं। तो वो रैपिड जैसे जितना बड़ा होता है वो हम ग्रेड में मेजर करते हैं, जैसे कि वो 1 आता है तो इट्स काइंड ऑफ ये फ्लैट सेक्शन में आते हैं, तो 1 प्लस उससे भी ज़्यादा, और 2, उसके बाद 2 प्लस एंड 3 प्लस ऐसे आ जाते हैं। तो चिलिंग वाला सेक्शन जो सबसे हमारा एडवेंचरस सेक्शन है उसमें 4 प्लस रैपिड आते हैं। जी तो ये थे जंगपो, जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से यहाँ राफ्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है, अपना जो फैमिली के लिए अलग, एडवेंचर लवर्स के लिए अलग। तो ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ से बुकिंग होता है, फिर यहाँ अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से राफ्टिंग का पॉइंट चूज करता है। कैमरामैन सोनम लिंची के साथ मुरुस्त रंजन, न्यूज 18 के लिए संगम से।